देश एवं प्रदेश में फैल रहे भ्रष्टाचार तथा नशे के विरोध में बनने वाली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द पे ऑफ का शुभ मुहूर्त मॉडल टाउन स्थित जीएम कॉन्टिनेंटल में शिक्षा मंत्री कंवर पाल, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा तथा नगर निगम के मेयर मदन चौहान द्वारा किया गया। भारी बरसात के बीच शिक्षा मंत्री ने नारियल फोड़ते हुए भगवान श्री गणेश का भोग लगाया और इस फिल्म के निर्माता अमित मनकट तथा निर्देशक आशु वर्मा को इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन एनजीओ के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को लेकर शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना था कि आज के इस युग में यह फिल्म लोगों को नशे के विरुद्ध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने में जागरूक करेंगी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तेजी से इस समाज में भ्रष्टाचार एवं नशा खेल रहा है, दोनों ही चिंता का विषय है। सरकार तो अपने स्तर पर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर ही रही है। यदि एनजीओ भी इस दिशा में कोई फिल्म बनाकर लोगों को जागरूक करते हैं, यह और भी अधिक सराहनीय कार्य है। इस फिल्म में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार रजा मुराद, शाहबाज खान, तरसेम सिंह, पुलिस के वास्तविक अधिकारी व अन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फिल्म की शूटिंग भी यमुनानगर में ही होनी है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, नगर निगम मेयर मदन चौहान का भी कहना था कि फिल्म समाज का आईना होती है और फिल्म के माध्यम से समाज किसी भी बुराई के प्रति जागरूक होता है। डायरेक्टर आशु वर्मा और प्रोड्यूसर अमित मानकर, एंटी करप्शन बैनर के अंतर्गत एक फिल्म जो समाज में नशे हैं और भ्रष्टाचार, उसके विषय को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं और ये आज समाज में बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी समस्या है जो देश को खोखला कर देता है और लोगों के कामों में भी उसकी वजह से बाधाएं डलती पड़ती है और काम लेट भी उसकी वजह से होते हैं और उसकी क्वालिटी भी उस प्रकार की नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने और नशों से भी देश बहुत प्रभावित है और जिस प्रकार के सूखे नशों का सेवन करना शुरू कर दिया गया वो इतने खतरनाक है कि मैं समझता हूँ कि परिवार के लिए जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल। नशा करने वाला व्यक्ति तो दुनिया से चला जाता है, बचता नहीं है, लेकिन जो पीछे परिवार है उसकी हालत क्या होती है वो बहुत ही दर्दनाक है और जब तक वो जीवित भी रहता है और नशा करता रहता है तब भी परिवार की हालत बहुत खराब होती है। सारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी टेंशन होती है, समाज में भी प्रतिष्ठा को घात पहुंचता है और आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत नुकसान होता है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे बहुत ही बर्निंग विषय जो है उन्होंने दोनों उठाए और समाज को उसके प्रति जागरूक करने का जो उन्होंने प्रयास किया है मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बने और समाज को मैसेज देने का काम करे।